Hello everyone, dear students. Today we are going to deal with use of various apparatus while performing volumetric analysis. Volumetric analysis में दो apparatus का use बहुत ही important है. पहला पहला ब्यूरेट, दूसरा पिपेट. सबसे पहले हम ब्यूरेट को पढ़ेंगे, देखेंगे कैसे यूज करना है. अब ये जो ब्यूरेट आपको दिख रहा है, इट इज मेड अप ऑफ मेनी पार्ट्स, इट इज द असेंबली ऑफ वेरियस पार्ट्स. जैसे कि सबसे नीचे आपको दिख रहा है, इसे हम नोजल या ब्यूरेट जेट कहते हैं. दिस इज द जेट और नोजल. इसको हम रबर ट्यूब कहते हैं, ये रबर ट्यूब रहेगा. उसके बाद इसे बेटा स्टॉप कॉक कहा जाता है, ये स्टॉप कॉक कहलाएगा. इस प्रकार से आप इसको यूज कर सकते हैं. स्टॉप कॉक ओपन करना है, इस प्रकार से प्रेस करेंगे. और ये जो आपको दिख रहा, दिस इज द ग्लास ट्यूब, ये पूरा ग्लास ट्यूब आपको दिख रहा है. ठीक है, अब ये ग्लास ट्यूब जो है उसपे क्या क्या लिखा है, वो इज मेंशन हियर. तो सबसे पहले आप देखोगे बेटा इस ब्यूरेट की कैपेसिटी कितनी है. तो यहां लिखी है ब्यूरेट की कैपेसिटी, देखिए आपको दिखेगा, दैट इज 25 ml, लिखा है 25 ml. फिर बेटा टॉप में आपको दिखेगा, यहाँ लिखा है जीरो, जीरो का मार्क आपको दिख रहा है, देखिए टॉप में जीरो दिख रहा सबको, जीरो, ये जीरो लिखा है. उसके बाद ये कहाँ तक रहेगा, 25 ml, तो देखिए नीचे में आपको कहीं दिखेगा 25 ml, देखिए 25 ml. तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इस ब्यूरेट को फिल करना है फ्रॉम जीरो, ये देखिए जीरो टू रहेगा 25, यहां तक ही वॉल्यूम मेजर करना है आपको. अब इस ब्यूरेट को यूज कैसे करना है, तो देखो सबसे पहला प्रिकॉशन कौन सा है व्हाइल यूजिंग ब्यूरेट. इस ब्यूरेट में पहले पता ये डिस्टिल वाटर आपको प्रोवाइड किया जाएगा. दिस इज ए डिस्टिल वाटर, हाईली प्यूरिफाइड वाटर रहता है. टैप वाटर हम यूज नहीं करेंगे, डिस्टिल वाटर ही आपको यूज करना है. इसमें आप इस प्रकार से भरोगे, बाद में इसको इससे आप ऐसा हॉरिजेंटली ऐसे रोटेट करना है. देखो सबको दिख रहा होगा, ऐसे हॉरिजेंटली रोटेट करोगे, जिसको रिंसिंग कहा जाता है. हॉरिजॉन्टली रोटेट करना, रिंसिंग इसको कहा जाता. इस रिंसिंग में एग्जैक्टली क्या होगा, जो भी कंटेमिनेंट रहेंगे, इम्प्यूरिटी रहेगी या डाइल्यूटेंट रहेंगे, वो पूरे यहाँ से निकल जाएंगे. और बाद में इसको आप वॉश करेंगे या फेंक देंगे, बेसिन में आपको वॉश करना है, इसको बेसिन में फेंक देना है. तो इस प्रकार से सबसे पहले आप इसको रिंस करोगे अच्छे से. रिंस करने के बाद देखिए एक और सोल्यूशन आपके पास दिया जाएगा, इससे हम कहते हैं एनवेट सोल्यूशन, जो टाइट्रेशन में यूज करना है. इस सोल्यूशन से भी थोड़ा यानी एक और बार इसको रेज करेंगे आप इस प्रकार फिर से, जैसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर से हमने किया था, अभी एनवेट सोल्यूशन से रेज करना है, क्योंकि एनवेट सोल्यूशन ही हमें इसमें फिलअप करना है. और इसको फिर बेसिन में फेंक दो. उसके बाद आप इसे ऐसा ब्यूरेट स्टैंड पे फिक्स करो, ब्यूरेट स्टैंड पे फिक्स कर दो. उसके बाद यहां पे यहां से टॉप से आप क्या करोगे, देखिए हम सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं, फिल द ब्यूरेट फ्रॉम द टॉप एंड. थोड़ा सा करना, पूरा करने की आवश्यकता नहीं है. देखो जरा हमने कितना भरा है, 15-20 ml आपको दिख रहा होगा, आपको 15-20 ml ही ऐड करना है. और उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है, देखिए आपको यहां दिख रहा है कि एक एक ड्रॉप वेस्ट हो रहा है. देखिए एक एक ड्रॉप निकल रहा है, ठीक है ना. तो ये एक एक ड्रॉप निकल नहीं जाना चाहिए, इसलिए आप इसको इस प्रकार से एडजस्ट करोगे, ये स्टॉप कॉक को थोड़ा सा ऊपर नीचे आप करके एडजस्ट कर सकते हो. इसको आप देखिए, इस
स्टॉप कॉक को प्रॉपरली ऊपर नीचे एडजस्ट करना ताकि यहाँ से लिक्विड लॉस ना हो, सॉल्यूशन लॉस ना हो, नॉट लिक्विड सॉरी दिस इज ए सॉल्यूशन एनिमेशन लॉस नहीं होना चाहिए। बाद बेटा नेक्स्ट प्रिकॉशन कौन सा है, तो ये जो जेट आपको दिख रहा है इस जेट में कोई एयर गैप नहीं रहनी चाहिए, एयर बबल नहीं रहना चाहिए। एयर बबल अगर रहता है तो उससे आप कैसे रिमूव करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन बाई यूजिंग ब्यूरेट इज टू रिमूव एयर बबल। एयर गैप एयर बबल कैसे रिमूव करना, तो उसके लिए आप क्या करोगे बेटा, इस स्टॉप कॉक को फुल्ली ओपन करना, देखिए पूरा ओपन किया सबको दिख रहा होगा, ताकि सोल्यूशन धीरे धीरे नीचे जा रहा, देखिए सोल्यूशन नीचे जाते समय जो भी एयर गैप इस जेट में होगा दैट विल मूव आउट, जो भी एयर गैप इस बबल जेट में होगा वो इस सोल्यूशन के साथ निकल जाता है। अब इस जेट में कोई भी एयर गैप नहीं है, इसलिए याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन बाय यूजिंग ब्यूरेट इज रिमूव द एयर बबल। एयर बबल रिमूव होने के बाद आपको क्या करना है, इसको जीरो के ऊपर तक फिल करना है। जीरो के ऊपर तक आप इसको फिल करेंगे, उसके बाद आप इस मेनिस्कस को यहां आपको दिख रहा बेटा देखिए, ये जो मेनिस्कस मतलब लेयर होता है, ये कलरलेस सॉल्यूशन है। इस कलरलेस सॉल्यूशन में कौन सा मेनिस्कस दिखा जाता, लोअर मेनिस्कस। जरा ध्यान देना, मैं यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझो ये ड्यूरेट है, इस ड्यूरेट में जीरो का मान यहां पे है, तो आपको क्या करना है इस सॉल्यूशन में बेटा, दो प्रकार के मेनिस्कस आपको दिखाई देते हैं, इसको कहना लोअर मेनिस्कस, इसको कहना अपर मेनिस्कस। ये कहलाएगा लोअर मेनिस्कस, ये रहेगा अपर मेनिस्कस, ठीक है। तो बेटा दो में से कौन सा मेनिस्कस आपको एडजस्ट करना है, तो देखो इस जीरो के मार्क पे लोअर मेनिस्कस एडजस्ट करना है इन केस ऑफ कलरलेस सॉल्यूशन। ये कलरलेस सॉल्यूशन है जो हम यूज कर रहे हैं, और अगर सॉल्यूशन कलर रहता तो यू हैव टू एडजस्ट दिस अपर मेनिस्कस एट जीरो मार्क। इस प्रकार से आपको सबसे पहले लोअर मेनिस्कस को एडजस्ट करना है, देखते हैं कैसे एडजस्ट करेंगे। एट जीरो मार्क, जीरो आपको दिख रहा होगा सबको बेटा, ये जीरो जो है यहां पे दिख रहा है जीरो। मैं धीरे धीरे इसको सॉल्यूशन को रिलीज करता हूं, देखिए जरा थोड़ा समय लगेगा। देखिए धीरे धीरे नीचे जा रहा है, जीरो पे आना चाहिए लोअर मेनिस्कस। और लोअर मेनिस्कस कैसे देखना बेटा, तो आपकी आंखें और ये जो सॉल्यूशन का लेवल रहेगा उसमें 90 डिग्री का एंगल होना जरूरी है। देखिए लोअर मेनिस्कस को हमने जीरो पे एडजस्ट कर लिया है, इस प्रकार से ये अब आपका ब्यूरेट यूज करने के लिए तैयार है, पूरी तरह से ब्यूरेट का प्रिपरेशन फिनिश किया है।